हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और आज मैं आया हूँ जयपुर के चौकीदानी प्लेस में, जो कि बहुत ही फेमस है। तो भी अंदर चलते हैं और देखते हैं कितने का क्या सीन रहता है, क्या टिकट है, क्या प्राइस है। तो ये है चौकीदानी के एंट्रेंस और गेट बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो यहाँ से अंदर चलेंगे, अभी शुरुआत होती है, और अंदर देखते हैं कितने का क्या टिकट का प्राइस है और क्या क्या एक्टिविटीज़ हमें मिलती है। और यहाँ जो टिकट है उसमें फूड इंक्लूड है। इस वाले काउंटर से आपको 800 रुपये पर पर्सन की टिकट मिल जाएगी जिसमें फूड इंक्लूड है। और देखते हैं अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ है। तो भैया 1600 रुपये का बिल बन चुका है, अब देखते हैं 1600 रुपये वसूल है या फिर ऐसे ही है। प्राइस एंटर होते ही कुछ ऐसा है जो कि बिल्कुल गांव वाला फील आता है। और चौकीदानी ज़्यादा फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे राजस्थान कल्चर दिखाया जाता है, और जो गांव से नहीं है उनको तो भाई मज़ा ही आ जाएगा ना। अंदर घुसते ही अलग ही तगड़ा फील है, पूरा गांव वाला सीन और बहुत ही अच्छा शांति वाला एरिया। तो गाइस ये देखो यार, मतलब फुल देसी वाला फील, हार्ट वाट सब लगी पड़ी है। और भी चीज़ें दिखाते हैं क्या क्या है यहाँ पे। दिखाएंगे कठपुतली का खेल। और यहाँ काफ़ी ऐसे स्टॉल भी लगे हुए हैं जो आप अंदर से और खाने पीने की चीज़ें ले सकते हैं, जैसे आइसक्रीम, स्वीट कॉर्न वगैरह। अरे अरे अरे, ये क्या दिख गया। पहले अच्छा यहाँ चलते अंदर, ये वेलकम करते हुए। ओ भाई यहाँ तो तगड़ा, मतलब पूरा राजस्थान कल्चर, पूरा गांव वाला फील आ रहा है। चलते अब अंदर, काफी अंधेरा है, वापस बाहर आ जाओ। और ये देखो यहाँ की क्रिएटिविटी, तो इसके अंदर बना रहता है इन्होंने।
तो यहाँ पे एक माँ अपने बच्चे को नहला रही है, ये बड़े प्यार से बैठा नहाने के लिए। हम तो भागा करते थे। ये सबसे आउटसाइड हम आ चुके हैं, यहाँ कोई है नहीं। अरे भाई अभी तो ऐसा लग रहा है, डर लग रहा है यहाँ, इसके मुंह में जाना अंदर। ओ ये जगह मिली कुछ अलग। तो गाइस ये है यहाँ के जंगल देवता जो कर रहे हैं जंगल की रक्षा, और ये पूरा जंगल थीम दे रखा है। ये यहाँ जानवर वगैरह भी है, इनके पेंट बस उतर चुके हैं वो अलग बात है, और आगे पानी वगैरह सब है जिसमें क्रोकोडाइल भी है। ये यहाँ का जंगल थीम और यहाँ के जानवर जो कि डैमेज हो चुके हैं थोड़े, बाकी अच्छा लग रहा है पूरे जंगल वाला फील। और ये हमारा क्रोकोडाइल जो कि गंदे पानी में पड़ा है। अब चलते हैं ऊपर और ऊपर से लेते हैं व्यू। और भाई यहाँ पे जंगल थीम के साथ एक चीज हो रही है जो कि है साउंड इफेक्ट बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहे हैं यहाँ, डायनासोर का म्यूजिक सुनाते हैं व्यू आपको। ये है वो डायनासोर जो बड़ी गंदी गंदी आवाजें निकाल रहा है, और ऊपर बना हुआ है माता का मंदिर, इसने तगड़ी बेइज्जती करवा रखी है आवाज सुना के। अभी मंदिर जा रहे हैं ऊपर। ये बना हुआ है माता का मंदिर, और यहाँ से एक बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है। इस ब्लॉग में कुछ हॉरर होने वाला है, देखो मैं आपके लिए कहाँ जा रहा हूँ। अबे यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा। दिख नहीं रहा कुछ। उससे आगे नहीं था। उससे भी जाना था आगे। अरे बाबू तो ये आ गए हम, ये हल्दी घाटी, येलो येलो माउंटेन्स। बहुत ही प्यारी जगह है यार। ओ वाह, तो यहाँ कुछ मर्डर टाइप हो रहा है, मुझे कहानी नहीं पता लेकिन कुछ तो हो रहा है। क्या है वो? चक्की है, कहाँ है चक्की? लाइट नहीं है, तो थोड़ी लाइट वगैरह नहीं ना, इससे थोड़ी दिक्कत हो रही है, बाकी जगह बहुत प्यारी है। तो गाइस एक बंदा फंस चुका है और यहाँ पे युद्ध छिड़ चुका है, और हम भी इस युद्ध में शामिल होने वाले हैं। तो ये महाराजा भी यहाँ लड़ रहे हैं। तो चौकीदानी जैसा हम सोच के आए थे, वाकई में अच्छी जगह है। पर अभी अंदर क्या क्या मिलता है, और मतलब काफ़ी अच्छी अच्छी जगह है यार, जितना चलते जा रहे हैं उतनी जगह मिलती जा रही। नहीं नहीं ये मंदिर बना हुआ है, तो मंदिर के सामने ये स्नान करने का, और यहाँ स्नान हो भी रहा है। शाम हो चुकी है तो थोड़ी लाइटिंग कम होती जा रही है। अब सामने चलते हैं हम उस मंदिर में, मोनिस्ट्री टाइप लग रहा है, मोनिस्ट्री है शायद। यार भाई क्या तगड़ी जगह है यार, लो आपको वाटरफॉल भी दे दिया यहाँ पे। तो गाइस अंदर मंदिर भी बना हुआ है, बहुत ही प्यारा। तो ये यहाँ की दूसरी लोकेशन, मतलब दूसरी तीसरी काफ़ी ज़्यादा लोकेशन है अंदर। यहाँ पे लेडीज़ का कुछ क्या है, वो ये है अग्निकुंड। वो यार क्या थीम बना हुआ है। ये लग रहा पूरा हॉरर। अब जाना इस साइड तो या तो हॉर्स राइडिंग करेंगे या फिर एलिफेंट
दोनों में से एक। तो गाइस ये झूले बने हुए हैं और ये पूरे लकड़ी के बने हुए हैं, बैठने का है वो भी लकड़ी का है, तो बाकी सब चीज़ें लकड़ी की बनी हुई है। तो गाइस आपको अगर अपनी फूटी किस्मत दिखानी है तो इन भाई साहब के पास चले जाने के बुला रहे हैं, तो और टैटू करवाना है तो यहाँ कलाग्राम राम राम साहब। अब तो लाइटिंग वाइटिंग जल चुकी है, अंधेरा हो चुका है ना। तो यहाँ जितनी भी है सारी शॉप्स बनी हुई है और सारा सामान राजस्थानी है, चाहे वो जूतियाँ हो, कपड़े हो और भी बहुत सी चीज़ें। यार नाइट में थोड़ा व्यू अच्छा नहीं आ रहा, लेकिन जगह काफ़ी अच्छी लग रही है। तो साहिल अब इसमें मारने वाला है, ये बजाने वाला है बेल तगड़ी वाली, जितनी जान है उतनी दिखा दे। यार थोड़ा दिन में आते तो कुछ अच्छा शूट हो सकता था, लेकिन नाइट में वैसे आप आओगे तो यार घूमने का काफ़ी अच्छा है, पूरा राजस्थान कल्चर है और बहुत ही अच्छा। अभी फूड वगैरह भी देखते हैं क्या क्या मिलता है, वैसे राजस्थानी कल्चर है तो यार दाल बाटी चूरमा ही मिलेगा मेरे अंदाज से। मतलब यार जगह तो इतनी अच्छी अच्छी बनी हुई है, बस थोड़ा दिन में होता ना तो अलग ही मज़े हो जाते हैं। थोड़ा लेट हो गया यार, दिक्कत हो गई, बाकी जितना दिख रहा है ठीक ठाक है, इतना अंधेरा भी नहीं है। यहाँ पर आपको मसाज भी मिल जाएगी जो कि सिर्फ और सिर्फ 20 रुपये में है। भाई हम तो सारा छोड़ छुड़ा के अब आ चुके हैं खाने के लिए, फिर अब देखते हैं खाने में क्या क्या है। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें दिख रही है वैसे तो, बैठते हैं हमारी बैठक पे। सभी को फुल देसी तरीके से खिलाया जा रहा है, नीचे बिठा के और अच्छे से, और ये हमारी प्लेट लग रही है, अभी काफ़ी चीज़ें बाकी है इसमें। देखो कितना सारा खाना लग चुका है, मतलब फुल ही पेट भरने वाला है। तो यहाँ की मेहमान नवाजी यार अलग ही है, ये देखो बटर रखा है और ये ज़बरदस्ती बटर लगवा के ही खिलाते हैं, और अभी काफ़ी चीज़ें अभी बाकी हैं जो कि आती जा रही है। कहाँ से आए भैया? हम जयपुर से ही हैं भैया, विद्यानगर। ये लग चुकी है हमारी बाटी, अब खाने स्टार्ट करते हैं। अभी और भी चीज़ें बाकी हैं, जैसे कि इसमें कुछ आएगा छाछ वगैरह। गाइस ये आपको घी ज़बरदस्ती खिलाएंगे डाल डाल के, मेहमान नवाजी तगड़ी है, मतलब आके देखो चौकीदारी मज़े ही आ जाएंगे। नाम से ख़त्म हुआ नहीं और भैया और लिया है। ये क्या है भैया? 5 रुपये का खिचड़ी, देसी घी आ गया है। कम ही कम डालना। कम क्यों? कम क्यों? कम का तो काम ही नहीं है। अरे देसी की पूरा ये मत डालना मेरे में, ये मत डालना पूरा पाउडर। हाँ एक तो यार ये इतना ज़्यादा घी खिला रहे हैं, लूज मोशन ने लगा दे। इतना खाना लग चुका है, ये पता नहीं मुझसे ख़त्म होगा या नहीं। और ये बताना यार ये क्या है कमेंट में, ये स्वीट में है यहाँ। और अभी ये लोग बोल रहे हैं और आएगा, इसके बाद 2-3 चीज़ें और रह गई हैं, अब पता नहीं क्या कसर निकाल रहे हैं, ये मान ही नहीं रहे। तो यहाँ खाया हमने खाना और हमें ठूस ठूस के खिला दिया गया है, इतना कि फूड पॉइजनिंग हो जाए। तो गाइस खाना पीना हो चुका है, अब थोड़ा घूम लेते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा खा चुके हैं, उल्टे सीधे डकार आ रहे हैं। और फिर घर की ओर चलते हैं, निकलते हैं, बीच में कहीं रुकेंगे तो कॉफ़ी वॉफ़ी के लिए NBC वगैरह तो रुकेंगे, वरना सीधा घर निकलेंगे। लोग का तो वैसे मैं काफ़ी कुछ सोच के आया था, बट यहाँ नाइट में इतना अच्छा हो नहीं पा रहा, दिन में आते तो खास थोड़ा सही हो जाता, लेकिन यह एंट्री 5 बजे के बाद से है। तो टिकट प्राइस आपको बता ही दिया, 800 रुपये पर हेड, फूड इंक्लूड है, तो
फूड आपको इतना खिलाया जाएगा, मतलब 15-16 डिशेस होंगी और उसमें फुल देसी घी मक्खन सब। हॉर्स राइडिंग भी नहीं की, कैमल राइडिंग भी नहीं की। ये ऊपर भी छोटा सा घर बना हुआ है, इसकी छत के ऊपर पहुंच रहा हूँ मैं हाइट में। तो वाह यार, अच्छा यहाँ निकल गया रास्ता, अच्छा है छोटी छोटी जगह। भाई कैसे निकलना पड़ रहा है वो स्लाइड उतरने के लिए? ये रहा पूरा चौकी धाड़ी।